कुर्ला जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय नेता और हमारे प्रादेशिक नेता और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता बंधु, सब उपस्थित समाज के, अलग अलग समाज के यहाँ सब लोग यहाँ बैठे हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आप लोगों ने यहाँ आके और बड़े प्यार से हम लोग सबका यहाँ स्वागत किया है, उसके लिए आपकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सबको आभार, माताएं बहने आपको आभार। मैं तो खाली दो चीज आप लोगों के बीच में कहने आई। सबसे पहले मैं ये आपके मीन भगवान के दर्शन करके आ रही हूँ। बड़ी खुशी हुई मीन भगवान के दर्शन करने का मुझे मौका मिला। सुनती हूँ 17 साल लग गए मंदिर बनाने के लिए। क्यों उड़ला जी, अगर आप लोग 1-1.5 साल के अंदर बना सकते थे तो 17 साल क्यों लग गए इस मंदिर के लिए? पैसा खा गया क्या हुआ कि 17 साल लग गए मीन भगवान के मंदिर बनाने के लिए? तो सोच सकते हो कि अगर राज कहीं भी गलती से ऐसे लोगों के हाथ में आ गया तो हमारे इस क्षेत्र का क्या होगा। मंदिर बनने में इतना समय लगा, इसलिए जब आपने मेरे को ये अपनी लंबी लिस्ट पढ़ के बता दी कि हमारे बताओ छात्रों को बहुत से स्कूल में साइकिल नहीं दिए गए, हमारे विधानसभा करीबन 125 हैंडपंप थे वो सब निरस्त कर दिए गए, हमारी जो स्वीकृति थी इस कॉलेज की महुआ की और सिकराय की वो दोनों को आप लोगों ने खत्म कर दिया है, अधिकांश आपके हैंडपंप जो खराब पड़े हैं वो जनता उससे दुखी है, और देव नारायण योजना के सारे कार्य, एक नहीं सारे कार्य को निरस्त कर दिया गया है। और मेरे से लोग पूछते हैं कि ये क्षेत्र आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। ये इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि नेता अपने को ऐसे नहीं मिल रहे हैं जो सबको साथ लेके चलने की तैयारी करते हैं और जो आगे चल के प्रदेश को और अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। जो लोग पहले अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो लोग क्या प्रदेश को आगे बढ़ा सकेंगे? इसीलिए मुझे बड़ी खुशी है कि इस महुआ में ही आप लोगों ने ऐसा नेता पैदा किया है जो खाली मेरा समाज का नहीं देखता परंतु तो हर समाज को आगे साथ लेके चलने का काम करता। जहां जहां भी मैं गई हूँ ये पूरे 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए और 6 संभाग पूरे आज शाम को दौसा के अंदर हो जाएंगे। इतनी सारी मीटिंग्स के बाद मैंने सब दूर देखा कि सब जनता सिर्फ एक ही चीज चाहती है, वो चाहती है विकास, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, वो कहता है हमारा विकास करके दे दो, उसके बाद हमें और कुछ नहीं चाहिए। सब आदमी चाहता है कि पीने के पानी का इंतजाम हो जाए, सब आदमी चाहता है कि हमें किसी भी हालत में बिजली मिल जाए, सब आदमी चाहता है कि हमारे गाँव की सड़कें ठीक हो जाए, सब आदमी चाहता है कि हमारे गांव के अंदर टीचर हो, हमारे यहाँ कॉलेज हो, सब आदमी चाहता है कि डॉक्टरों का इंतजाम हो जाए, ट्रॉमा हॉस्पिटल अगर सड़क पे है तो ट्रॉमा हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर मिल जाए, अगर डॉक्टर हो जाएगा तो हमारे अस्पताल ठीक हो जाएंगे, नहीं तो खाली ढकोसला है, खाली नाटक है, खाली दिखावा है और हमें किसी के सामने दिखावा नहीं करना है। इसलिए आज मैं आपके सामने आई हूँ, खुशी से इसलिए आई हूँ कि मैंने सबको कह दिया कि राजस्थान का विकास तो तब होगा, हमारे परिवार का विकास तो तब होगा जब हम सबको साथ लेके आगे चलेंगे। अगर हम लोग एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं, अगर मजहब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो ये क्षेत्र नहीं बढ़ सकता। आपने देख लिया कितने साल हो गए, 65 साल हो गए जब से लोकतंत्र आया है, 65 साल के अंदर आपका कहां गया क्षेत्र कि आप अच्छी तरह से देख सकते हो। इस क्षेत्र को क्या अगर आपको आगे बढ़ाना है क्या आप चाहते हो कि रोजगार मिले? आप चाहते हो बच्चों को पलायन नहीं करना पड़े? आप चाहते हो कि जिस तरीके से 10 लाख नौकरियां तब हमारे राज के टाइम में मिली थी वो 10 लाख नौकरियां फिर से हमारे बच्चों को मिले? आप लोग चाहते हो कि टेट जो परीक्षा है उसको हटाई जाए और आपकी अर्जी के अंदर हमारे अपेक्षित काम मिले, व्यवस्था हो ताकि हम लोग अपना काम कर सकते हैं? कहना चाहूंगी सब लोगों को ये आप आश्वस्त हो जाओ कि नौकरियों का इंतजाम होगा, महिलाओं आश्वस्त हो जाओ कि आपको मैंने सिंगल फेज बिजली दी थी उसको 24 घंटे करके मैं छोड़ूंगी अगर आप मेरे साथ चलोगे तो। मेरे साथ चलने का मतलब ये है वोटों की बात नहीं कर रही मैं, क्योंकि मैंने कभी भी किसी को कुछ दिखा के वोट लिया नहीं, ये तो खाली कांग्रेस का और आपके नेता मैं नाम भी क्या लूं उनका ऐसे लोगों
मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारी सरकार आती है तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं गारंटी दे सकती हूँ कि जाते जाते जो मैं 18 घंटे बिजली ला के छोड़ गई थी घरों के अंदर, उसको 24 घंटे करके छोड़ के जाऊंगी। तो आपकी बात, इसी तरीके से पर्याप्त पीने का पानी, इसी तरीके से साफ पीना का पानी, अब बस स्टैंड और ये आप सब बातें मेरे को लिखे, ये तो ऐसी छोटी बातें हैं। सरकार अपनी आती है तो जब आओगे मेरे से मांगोगे पूछोगे तो सब ऐसी छोटी काम है जो कोई भी कर सकता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मुख्यमंत्री ने आज दिन तक दौरे तो इतने कर लिए परंतु वादे ही वादे, वो सब कोई जमीन पे आया ही नहीं। मैंने कभी नहीं देखा ऐसा नेता। कहते हैं कि राजनीति में लोग झूठ बोलते हैं, परंतु हमने हमेशा ये कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। परंतु अब देखने को मिला है कि घोषणा एक तरफ, उपलब्धि शून्य। कोई भी आए वो कहता है कि ये मेरी उपलब्धि है। अगर उसने उपलब्धि ली है तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, उसको ढिंढोरा पीट के कहना चाहिए मेरी उपलब्धि है। जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरी उपलब्धि है कि आपको सिंगल फेज की बिजली की लाइन अलग, तीन फेज से अलग आपको मिली और अब वो 24 घंटे आपको मिलेगी, मेरी उपलब्धि है। परंतु अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लिखे कि मैं आपको 8 घंटे बिजली दूंगा और बिना ट्रिपिंग के दूंगा, तो ये घोषणा है, उपलब्धि नहीं है। आप लोग सब जानते हो घोषणा तो तब उपलब्धि बन जाती है जब इसकी क्रियान्विति होती है। और बताओ यहाँ किसान भाई बैठे हुए हैं, आप लोगों को 8 घंटे बिजली मिल रही है क्या? नहीं। बिना ट्रिपिंग के मिल रही है क्या? नहीं। मेरे पास जो खबर है वो 3 घंटे 3 घंटे 3.5 घंटे 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं, और वो भी ट्रिपिंग के साथ। और बुरी आदत ये तो आनी आनी है, जब ऊपर वाले बुरी आदत सिखाते हैं तो नीचे वाले बुरी आदत सीखते हैं। अगर हम ऊपर से कह देंगे कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम ये सब आपके लिए काम करने को तैयार है, और नहीं करते हैं तो नीचे वाले पे सड़क पे आते ही। अगर मैं आपको कह दूं कि मैं बिजली आपको दूंगी और आपको सही दाम पे दूंगी और मैं 53% बिजली को बढ़ा देती हूँ और आपको बिजली नहीं मिलती है, तो क्या करोगे? आओगे सड़क पे, आओगे सड़क पे और सरकार को कहोगे कि मेरी बात मानी? पहले तो बात करोगे और बात नहीं सुनी कोई ने तो फिर आओगे सड़क पे। अब मैं आपके देखो, आपके महुआ के देख रही हूँ, 1,38,00,000 रुपए की लागत से पीपीपी मॉडल पे महाविद्यालय 3 साल से तैयार है, परंतु अभी तक कोई शिक्षण कार्य चालू नहीं है। तो चिल्लाएगा आदमी महुआ का? नालों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, पूरा गंदा पानी बहता है शहरों के अंदर, बरसात के महीनों के अंदर बाढ़ आ जाती है और जवाहर कॉलोनी जैसा जो है उसमें बरसात का पानी टोटल भर जाता है, तो वो आदमी क्या करेगा? चिल्लाएगा ना। महुआ शहर के अंदर लाइनें पुरानी है, टूटी है, बिल्कुल ही हालत खराब है, और कॉलोनी के अंदर पेयजल नहीं जाता है, तो वो वहां की जनता क्या करेगी? चिल्लाएगी। बिजली की ट्रिपिंग होती है, आप लोगों का अगर वो खराब हो जाता है ट्रांसफार्मर, तो उस ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए रिश्वत जब तक नहीं देती, जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक वो ट्रांसफार्मर ठीक नहीं होगा और आपके पास महीने डेढ़ महीने 2 महीने तक वापस नहीं आएगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? राजकीय अस्पताल के अंदर सर्जन की कमी है। अगर अस्पताल के अंदर डॉक्टर ही नहीं है, सर्जन ही नहीं है, तो केस आएगा तो कहाँ जाएगा? दौसा भेजो, दौसा में कमी, खाली 2 डॉक्टर है वहां 10 की जगह में, तो उसको कहाँ भेजो? फिर SMS भेजो, माने SMS पहुंचते पहुंचते दम ही तोड़ जाए। ऐसी व्यवस्था सरकार ने बना के रखी है। सामान्य जांच सुविधा बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, एक्सरे और ECG का मतलब ही नहीं क्या होता है यहाँ कोई जानता भी नहीं है, और मरीजों को बाजार में जाना पड़ता है। इसलिए आप मेरे को कह रहे हो कि 42 से उसको 100 बेड कर दो, मैं कहती हूँ पहले डॉक्टर ले आओ, डॉक्टर को तैनात कर दो, उसके बाद 42 बेड को फिर आगे बढ़ाने का काम अपन करेंगे। इसमें काहे की चिंता आप लोग करते हो? मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहने आई हूँ, ये है सरकार, और हम तंग आ गए क्योंकि 53 साल हमने इसी सरकार को दिया है। 65 साल में से 5 आपने मुझे दिए, 7 आपने भैरव सिंह जी को दिए, और टोटल 53 साल कांग्रेस को दिए, और इन सब ने मिलके आप लोगों का जिस तरीके से तिरस्कार किया है वो आप लोग सबको देखने को मिल रहा है। आज मैं पूछ रही हूँ कि ये हेलीकॉप्टर लेके घूमना, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये जो पार्टी चलाने का काम चल रहा है ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मैं सुन रही हूँ, बोलो तो जोर से कोई, मेरे कहाँ से आ रहे हैं?
कहां से आ रहे? आपको वही चीज मालूम है, हमें भी वही चीज मालूम है, सब नीचे 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 ने बात चल रही है। अब राजनीति कहां तक करोगे? अपनी जनता की जिंदगी के साथ जब राजनीति करने लगते हो तो वो राजनेता नहीं कहलाया जाता। और इसीलिए मैं सब लोगों को ये कह रही हूँ कि कांग्रेस यहाँ हो या कोई दूसरी पार्टी हो, हमको चाहिए वो लोग जो हमारा काम करेंगे, हमें चाहिए वो लोग जो हमको आगे बढ़ाएंगे, हमें सबसे ज्यादा चाहिए वो लोग जो समझेंगे कि विकास क्या है और इस विकास में सबको जोड़ने का काम करेंगे। सब 36 की 36 कौम मिलकर चलेंगी, सब हमारे मजहब मिलकर चलेंगे तो आपके विकास को कोई नहीं रोक सकता है भाइयों। विकास तो अभी आप ही रोक रहे हो, क्योंकि एक जात दूसरे जात से जब लड़ लेता है तो कांग्रेस करती है राज, और इतने साल से करती आ रही है। अब आपको डराएगी धमकाएगी तो मैं कहती हूँ कि महुआ तो एक ऐसी जगह है जहाँ कोई किसी को डराता और घबराता नहीं है, है क्या? नहीं। क्या नहीं है ना? अभी आपके बीच में सौगाते बांटी जा रही है, साइकिल नहीं है पैसा ले जाओ, साड़ी नहीं है पैसा ले जाओ, क्या नहीं है पैसा ले जाओ, पेंशन ले जाओ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, सब चीजें 4 साल तक क्यों नहीं दिए? अगर आपको वाकई में चिंता हम सबकी थी तो 4 साल पहले दे देना चाहिए था। आज तो आप कह रहे हो क्या चाहिए? सोने का महल ले जाओ, दूध की नदी ले जाओ, अरे क्या चाहिए बताओ। तो मैं कह रही हूँ कि तो कुर्ता पजामा बच्चों का भी देने पे आ गए, उसके साथ साथ एक 2 कटोरी और एक थाली वो भी ले जाओ, अरे क्या चाहिए ले जाओ, बस खाली वोट हमें ले जाओ। और मैं इनको ये कह रही हूँ कि हम सब ले जाएंगे पर खाली वोट आपको नहीं देंगे, क्या आप लोग विश्वास करते जाओ। हम लोगों ने सबने यहाँ जो करे, हमने प्रतिज्ञा की है कि हम समाज का कल्याण करेंगे, और उन लोगों ने प्रतिज्ञा की है कि वो परिवार का कल्याण करेंगे। फर्क कितना ही है समाज के अंदर और परिवार के अंदर। और मैं समझती हूँ कि समाज के कल्याण में ही सबसे बड़ा गुण है। हम लोग सब मिलेंगे, सब लोग साथ चलेंगे और एक ऐसा सुंदर नया राजस्थान बनाएंगे जिसके अंदर हमारी महिलाएं सुरक्षित चल सकती है, जिसमें हमारे बच्चों को 5 साल में जिस तरीके से 10 लाख नौकरियां मिली थी उनको फिर से नौकरी मिलेगी, बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे किसान मजबूत होंगे, उनको बिजली मिले, पानी मिले, खाद मिले, बीज मिले, आज सब कुछ नकली है, सब लेके जाते हैं बेचने के लिए तो उनको सही दाम मिले। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसको मुआवजा मिले। खाली थोथी घोषणाओं से पेट किसी का नहीं भरा, ना किसी प्रदेश का विकास हुआ। इसलिए आओ भाइयों मेरे साथ एक जोरदार नारा देना, एक तो भारतीय जनता पार्टी का, फिर एक राजस्थान का। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम लोग सब मिलके आपके इस भविष्य को बदलने का काम करेंगे, राजस्थान के भविष्य को बदलने का मिलके हम लोग काम करेंगे। मीणा हो चाहे गुर्जर, राजपूत हो या जाट, मुसलमान हो या हिंदू, सब मिलके प्रेम के साथ एक परिवार के रूप में आगे चलेंगे तो राजस्थान का हुलिया बदल जाएगा और लोग आएंगे राजस्थान को फिर से देखने के लिए। आज गुजरात का नाम, मध्य प्रदेश का नाम, कल राजस्थान का नाम। तैयार हो भाइयों? अगर तैयार हो तो दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और एक राजस्थान का नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।